हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि यंग का एक्सपेरिमेंट है और उसमें पिन होल के सामने एक उसने कुछ स्लैब रख दिया, सपोज ग्लास का स्लैब, तो उस केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ये सारी चीजें अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है। तो जैसे कोई लाइट वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करती, सपोज ये ग्लास स्लैब है और इसकी थिकनेस टी के इक्वल है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के इक्वल है, तो यहां पर जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आएगी, तो इस ऑप्टिकल पाथ लेंथ की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ द मीडियम, तो इस मीडियम में जो लेंथ है वो टी के इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है, म्यू इनटू टी, और जो एक्चुअल लेंथ थी उसका जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस वन इनटू टी। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम लोग जाते हैं वेव के एक बेसिक फॉर्मूले पर, और वो बेसिक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। v वेव की वेलोसिटी, और फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं लाइट वेव्स की, तो v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी केवल किस पर डिपेंड करती, सोर्स पर। अगर कोई वेव किसी मीडियम में एंटर करती, एक मीडियम से दूसरे में एंटर करती, रिफ्लेक्ट होती, रिफ्रैक्ट होती है, तो उन सारे केसेस में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो फ्रीक्वेंसी केवल डिपेंड करती है कि सोर्स क्या था। लेकिन जब कोई लाइट वेव हो या कोई और वेव हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बदलती और स्पीड बदल जाती तो डेफिनेटली वेवलेंथ बदल जाएगी। और इस फॉर्मूले से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर स्पीड कम हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, अगर स्पीड इंक्रीज कर गई तो वेवलेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, तो इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। और ये वेवलेंथ की डेफिनेशन भी है कि एक टाइम पीरियड में वेव ने जो भी डिस्टेंस चला होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो बेसिक फॉर्मुलेशन हो गया स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। अब जैसे हम लोगों ने बोला कि लाइट वेव इस ग्लास स्लैब में एंटर कर रही, तो जब तक लाइट वेव वैक्यूम में चल रही थी तो उसकी अपनी कुछ वेवलेंथ थी, और उसकी वेवलेंथ सपोज थी लैम्डा। और जैसे लाइट वेव मीडियम में एंटर करेगी तो वैक्यूम में जो लाइट वेव थी उसकी स्पीड कितनी थी, अगर लाइट वेव वैक्यूम में चलती तो उसकी स्पीड c के इक्वल, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोल सकते हैं c इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम पीरियड। लेकिन जब ये लाइट वेव इस मीडियम में एंटर करेगी तो मीडियम में जो स्पीड आ रही होगी, अब उस स्पीड की वैल्यू c अपॉन म्यू, म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब लाइट वेव मीडियम में एंटर की होगी तो उसकी स्पीड कम हो गई होगी, और अगर लाइट वेव की स्पीड घट चुकी होगी तो उसकी वेवलेंथ भी तो डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसे वेव ने मीडियम के अंदर एंटर किया होगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ डिक्रीज कर चुकी होगी कुछ ऐसे, और जैसे मीडियम के बाहर निकलेगी
फिर अपनी ओरिजिनल वेवलेंथ पर आ जाएगी। तो एक चीज अगर और गौर से देखें कि मीडियम ना होता तो क्या होता, अगर मैं वेव बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करता और मीडियम ना होता तो उस केस में वेव जो बाहर निकलती वो किसी यहां का फेज अलग है और यहां का फेज अलग है, तो इसी पोजीशन पर फेज की वैल्यू डिफरेंट हो जाती क्योंकि स्पीड बदल चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है वेव नंबर चेंज हो चुका होगा। वेव नंबर क्या था, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वो बदली नहीं, और स्पीड बदल गई तो वेव नंबर वो बदल गया होगा। तो जब वेव ने मीडियम में ट्रेवल किया होगा, जैसे लाइट वेव की हम लोग इक्वेशन लिखते हैं और वो इक्वेशन इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, ट्रेवलिंग वेव है, तो जो लाइट वेव की इक्वेशन आएगी वो इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जैसे लाइट वेव ने वैक्यूम में चला होता और कोई डिस्टेंस टी चला होता तो डिस्टेंस की वजह से जो फेज में चेंज आता वो के इन टू टी आता, लेकिन जब वो मीडियम में ट्रेवल करेगा तो के की वैल्यू तो चेंज हो चुकी होगी, तो उसमें जो फेजेस आएंगे वो डिफरेंट फेजेस आ रहे होंगे। तो बात आती है कि जो वेव मीडियम से बाहर निकली है उसका फेज कैसे डिफाइन किया जाए ताकि हम लोग इंटरफेरेंस को सिंपली पढ़ पाए, और इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। तो अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम लोग चीजों को वैसे यूज कर पाएंगे जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वेवलेंथ के फॉर्म में, और फिलहाल यहां पर वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इसको गौर से देखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज मैं बोलता है कि एक स्लैब है, ये स्लैब है, और इस स्लैब में एक वेव है, और वो वेव ये वाली वेव है। इस स्लैब की थिकनेस सिंपलिसिटी के मैंने मान लिया है कि यहां पर तीन लूप्स हैं और इस स्लैब की थिकनेस टी के इक्वल है, लेकिन जब ये वेव इस मीडियम से बाहर निकलेगी तो इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तब एक क्वेश्चन है कि यहां पर जो वेव निकली है इसका फेस क्या होना चाहिए, तो गौर से देखें कि एक टाइम पीरियड में कितनी पल्स एमिट होती, तो कोई भी सोर्स अगर एक टाइम पीरियड का टाइम लेता है तो पूरी एक पल्स एमिट करेगा ना, और यहां पर 3/2 पल्सेस हैं, आधी आधी करके तीन पल्सेस हैं, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि इतना रीजन प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स ने जो टाइम लिया होगा उस टाइम की वैल्यू 3t/2, तो इतना पल्स जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया होगा उसके लिए जो टाइम लगा होगा उस टाइम की वैल्यू 3t/2 के इक्वल। एक टाइम पीरियड में इतनी पल्स, तो t/2 टाइम पीरियड में इतनी पल्स, और ऐसी ऐसी यहां पर तीन पल्सेस हैं, तो इन तीन पल्सेस को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगा होगा वो 3t/2। तो हम लोग एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं कि सपोज मीडियम ना होता, अगर मीडियम ना होता और फिर मैं चाहता कि यहां से ऐसी वेव निकले ऐसे, और तीन पल्सेस भी चाहिए, तो तीन लूप्स मैंने ऐसे बना लिए, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर यहां पर एक सोर्स था S और यहां पर एक सोर्स रखा होता S डैश, अगर ये वाली लेंथ तीन पल्सेस की, तीन हाफ पल्सेस के बराबर है, एक सोर्स में यहां पर रखता और एक सोर्स यहां पर रख देता, तो इन दोनों सोर्सेज ने इस पॉइंट पर जो वेव क्रिएट करी होती उनके फेजेस सेम आ जाते, तो फिर हम लोगों की एनालॉजी क्या होगी, हम लोगों की एनालॉजी होगी कि अगर कोई मीडियम बीच में पड़ रहा है
तो हम चाहे तो उस मीडियम को हटा दें और वैसी वेव अगर हमें चाहिए तो सोर्स को हम लोग थोड़ा सा पीछे फिट शिफ्ट कर दें। तो अगर सोर्स यहां रखा होता तो यहां पर हमें बिल्कुल वैसी वेव मिलती जैसी मीडियम होने पर मिल रही थी। अब इन जनरल अगर इसको डिस्कस करते हैं तो मैंने सपोज बोला कि हम लोगों के पास एक स्लैब है और इस स्लैब की थिकनेस टी के इक्वल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है, तो इसके अंदर लाइट की जो स्पीड आएगी वो सी अपॉन म्यू आएगी। तो इस स्लैब के अंदर जब वेव एंटर करेगी तो उसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा होगा सपोज टी नॉट, तो उस टी नॉट की वैल्यू आएगी डिस्टेंस टी और स्पीड की वैल्यू सी बाय म्यू, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू टी अपॉन सी। अगर मैं उतना ही टाइम देता सेम टाइम तो नंबर ऑफ पल्सेस भी तो वही एमिट होती। अब जितने टाइम में इसके अंदर जो भी पल्सेस आ रही होंगी उतना डिस्टेंस अलग होगा और उतना ही टाइम अगर मैं वैक्यूम में देता तो नंबर ऑफ पल्सेस तो वही होती लेकिन वेवलेंथ थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर यहां से कोई वेव सपोज ऐसे निकल रही और मुझे यही वेव चाहिए तो नंबर ऑफ पल्सेस उतनी होनी चाहिए लेकिन हमारा सोर्स उस केस में थोड़ा सा पीछे होगा और उतनी पल्सेस प्रोड्यूस करनी है तो टाइम भी उतना ही होना चाहिए। और इतने टाइम तक अगर हम लोग इस सोर्स से वैक्यूम में ट्रेवल करा दें तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी थी सी और टाइम कितना लगा म्यू टी अपॉन सी, तो ये सी और सी कैंसिल हो गया एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू टी। तो यहां से फाइनली रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि अगर कोई लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती तो जितनी देर तक वो मीडियम में ट्रेवल करती है अगर लाइट वेव उतनी देर तक वैक्यूम में ट्रेवल करे तो वो उतना ही फेस क्रिएट करेगी जितना उसने मीडियम में क्रिएट किया होगा और उतनी देर अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल करती तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस डिस्टेंस की वैल्यू म्यू इंटू टी और इसी म्यू इंटू टी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज ऑप्टिकल लेंथ या इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्टेंस। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का फायदा क्या हुआ, हम लोगों का फायदा हुआ कि अगर कभी लाइट वेव के बीच में कोई मीडियम आता है और मैं उन्हीं एक्चुअल वेवलेंथ के साथ डील करना चाहता हूं तो मैं अपने सोर्स की पोजीशन को शिफ्ट कर दूंगा, तो सोर्स की पोजीशन शिफ्ट करके हम लोग वही वेव गेन कर सकते हैं कि जो वेव मीडियम से निकलने के बाद आ रही थी। तो जो सोर्स है उसकी शिफ्टिंग कितनी हुई, अब सोर्स पहले यहां रखा था और अब सोर्स पीछे शिफ्ट हो गया और ये टोटल लेंथ म्यू टी के इक्वल है और ये टी के इक्वल है, तो हम लोगों ने जो सोर्स की इस वैल्यू को शिफ्ट किया वो वैल्यू म्यू टी माइनस टी, इसका मतलब म्यू माइनस वन इंटू टी और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो फॉर्मूला रटना है तो थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ में उस रीजन की टोटल लेंथ को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ये तो हो गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग यंग के एक्सपेरिमेंट में स्लिट के सामने या पिन होल के सामने अगर कोई स्लैब रख देते हैं, जैसे थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके। सपोज ये स्लैब है और इसकी थिकनेस एक्स के इक्वल है तो इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी आएगी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ की वैल्यू म्यू इंटू एक्स। अगर हमसे बोलते हैं कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू माइनस वन इंटू एक्स। अब सपोज यहां पर कोई सोर्स रखा होता तो जब सोर्स से वेव ट्रेवल करती तो उसकी वेवलेंथ मीडियम में थोड़ी सी डिक्रीज करती लेकिन जैसे बाहर निकलती वो एक्चुअल वेवलेंथ के साथ आ जाती,
तो अगर कोई सोर्स यहां रखा है तो ये वेव प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं सोर्स को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दूं, वैसे यहां पर पल्सेस 1, 2 एंड 3, तो यहां पर एग्जैक्टली 3 पल्सेस हैं, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं सोर्स को यहां रख देता एस डैश पर, तो यहां से जो वेव ट्रेवल करती इस पॉइंट पर जो वेव आती वो वेव एग्जैक्टली ऐसी आती। अगर मेरा सोर्स यहां पर रखा होता तो जो वेव आती यहां पर 1, 2 एंड 3, मतलब सोर्स अगर यहां रखा होता तो इस रीजन में वही वाली वेव समय मिलती। तो हमें सोर्स को पीछे शिफ्ट कितना करना पड़ा, हमें सोर्स को पीछे शिफ्ट करना पड़ा μ-1 × x के इक्वल। एक्चुअली जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ थी वो ये थी, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, दिस वैल्यू इज μ × x, और जो डिफरेंस क्रिएट हो गया वो μ-1 × x। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, कॉन्सेप्ट हो गया।